First of what is express entry express entry is one of the way to get canadian permanent resident status one of the easiest way but at the same time you require a good skilled work experience plus a good ielts score doesn't matter where you are living whether you are living in canada india usa or at any other places on this world इफ़ यू मीट डिजाइड कट ऑफ दैन यू विल बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर द कैनिडियन परमानेंट रेजिडेंसी एज सिंपल एज दिस नाओ अगर मोटी मोटी बात की जाए तो होता यह है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी पड़ती है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं एक पुल सिस्टम होती है हर पंद्रह दिन पर इसका ड्रॉ होता है कट ऑफ बार पड़ता है उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हो Then you will be टू अप्लाई फॉर द कैनिडियन पी आर अब उसके पहले आपको अपना स्कोर पता होना चाहिए कि कितना स्कोर आपका होता है तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है तो इस वीडियो में मैं बात करता हूँ कि आपका स्कोर आप कैसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको पता चले कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो देन यू विल क्रिएट प्रोफाइल एंड दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड विद दिस वीडियो तो पहले गूगल पे लिखना है सीआरएस कैलकुलेटर पहले लिंक मिल जाएगी आपको जो कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां से आपको यह कैलकुलेटर मिलेगा यहां पे नीचे आना है उसके बाद यहां पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है पहले वॉट इज मैरिटल स्टेटस ंगल हाउ ओल्ड आर यू ट्वेंटी फाइव What इज your लेवल ऑफ एजुकेशन तो यहां पे इन लोगों ने बात की है कि वॉट इज योर हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग आपने कैनेडा से ली अमेरिका से ली ऑस्ट्रेलिया से ली इंडिया से ली जहाँ से भी ली हो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है तो अगर आपने बैचलर डिग्री ही की है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने बैचलर डिग्री की है उसके ऊपर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएसन डिग्री की है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि टू और मोर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री वन मस्ट बी अ प्रोग्राम ऑफ थ्री और मोर ईयर्स इसका मतलब ये हुआ कि मस्ट बी अ प्रोग्राम ऑफ थ्री ईयर्स और मोर मतलब कि आपकी बैचलर डिग्री तो यहाँ पे आ गई प्लस आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएसन है कि कोई अदर सर्टिफिकेट है तो आपका हो जाएगा टू और मोर अगर आपके पास ओनली बैचलर डिग्री है तो आप ये ए सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप मास्टर्स डिग्री है तो आप ये ए सिलेक्ट कर सकते हो पी तो आप ये ए सिलेक्ट कर सकते हो अब यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है डिस्टेंस लर्निंग काउंट्स फॉर एजुकेशन पॉइंट्स बट नॉट फॉर बोनस पॉइंट इन योर प्रोफाइल और एप्लीकेशन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पेंडेमिक चल रहा है तो जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं इंडिया से तो उनको एजुकेशन के तो पॉइंट मिल जाएंगे पर जो बोनस पॉइंट होते हैं जो कनाडा में रह के पढ़ना वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल टू आर मोर सर्टिफिकेट हैव यू अन कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यहाँ पे जो बात की है वो स्पेशल अगर कैनेडा में आपकी डिग्री है या नहीं है उसकी बात की है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ यस yes. अब यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज क्लियर कर दी है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ऐसा होता है कि लास्ट ईयर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हो होते हैं और वो लोग यहाँ पे आते हैं दो तीन महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए और वापस चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन लोगों ने मैंसन की है कि यू मस्ट हैव स्टडीड एट स्कूल है विद इन इन कैनाडा फॉरन कैंपस डोंट काउंट नीड टू बी एनरोल्ड फॉर फुल टाइम फॉर एटलीस्ट एट मंथ्स ये सारी चीज़ें आपको आ, पढ़ लेना कि क्या 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 ये लोग कहना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर देने हैं आपके पास कैनेडा डिग्री है यस yes. कौन सी है डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट कर लो ऑफिशियल लैंग्वेज अब दो ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए आयल्स का रिजल्ट तो यस विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर ऑब्वियसली आयल्स अब बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है सेल्फीप होती है ये दो तीन और एग्ज़ाम पर। आयल्स काफ़ी पॉपुलर है तो मैं ये सिलेक्ट कर सक ये करता हूँ स्कोर फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सेवन पॉइंट फाइव टू नाइन लिसनिंग एट रीडिंग एट टू नाइन लिसनिंग एट पॉइंट फाइव टू नाइन राइटिंग सेवन डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट नॉट एप्लीकेबल वर्क एक्सपीरियंस इन लास्ट टेन ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव इस्पेशली कैनेडा के लिए है और यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि स्किल्ड मतलब कि जो एन कोड होता है ज़ीरो ए बी ये एक डिफरेंट स्टोरी है कभी कोई और वीडियो में बताऊँगा पर ये टिपिकली ये चीज़ है कि स्किल्ड एक्सपीरियंस के अलग अलग एन कोड होते हैं आप कौन से कोड में आते हो ये सारी चीज़ें जब आप प्रोफाइल बनाते हो तब की बात होती है तब आपको डिस्क्राइब करना होता है तो पहले आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कनाडा का तो भाई चलो है या नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ इन द पास्ट टेन इयर्स हाउ मेनी टोटल इयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड एक्सपीरियंस डू यू हैव अगर आपके पास इंडिया में कोई एक्सपीरियंस हो या कहीं पे भी तो आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल टू इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस do you have a certificate qualification from a Canadian province, territory, or federal body? अब ये स्पेशल जो लोग कनाडा में है इनके लिए है कि अगर आपके पास कोई लाइसेंस हो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट uh, हो और उसमें आपने लाइसेंस लिया है और अपने एग्ज़ाम यहाँ पे पास की है इसके लिए तो आपको एक कार्ड मिलता है लाइसेंस कार्ड अगर वो होता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो बाकी जनरली नो एडिशनल पॉइंट डू यू हैव अ जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट मतलब कि एल एम आई है जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया में कि मैं आपको एल एम आई बेच दूंगा ये सारी चीज़ें तो जो जनरली किसी के पास होता नहीं तो यहाँ पे नो डू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी ये होता है बेसिकली अगर आप कनाडा में रहते हो तो वो लोग अप्लाई करते हैं तो जनरल में मैं नो no कर देता हूँ अगर आपके पास होता है पी एन पी बोलते हैं अगर उसके पास अगर आपके पास होता है तो आप यस कर सकते हो डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा नहीं रहते कैलकुलेट योर स्कोर तो यहाँ पे स्कोर आ गया 476। अब ये जो स्कोर होता है यहाँ पे रिजल्ट्स देते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है मतलब कि एज आपका एजुकेशन क्या है आपका स्कोरिंग क्या है ये सारी चीज़ों पे डिपेंड्स करता है पर ये इन सारी चीज़ों में मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाता अब अगर आप इसके साथ प्ले करते हो ये स्कोर के साथ तो आप अगर आप यहाँ पे अलग अलग स्कोर डालते हो तो अलग अलग स्कोर आपका कैलकुलेट होकर नीचे आ जाएगा पर इसका मतलब क्या है सेवन पॉइंट फाइव टू नाइन इसका मतलब ये है कि आप सेवन पॉइंट फाइव बैंड लाते हो या नाइन बैंड लाते हो आपका स्कोर सेम ही रहेगा तो बेसिकली वो ये चीज़ है हर टाइम अगर आप कोई सिलेक्शन करते हो तो ये ध्यान में रखिए कि आप पेज को रिफ्रेश करें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फिगर्स जो होती है वो सही नहीं आती तो आपका स्कोर यहाँ पे आ गया 476। अगर आपको देखना है कि लास्ट कट ऑफ कौन सा था तो आप गूगल पे जा सकते हो लिख सकते हो कि सी आर एस ड्रॉ पहली लिंक आ जाएगी राउंड ऑफ इन्विटेशन्स तो दो दिन पहले तो दो दिन पहले मतलब कि सेवंथ जनवरी पे यहाँ पे ड्रॉ हुआ था और उसका स्कोर था लोएस्ट कैंडिडेट इनवाइटेड 461 तो यहां से आप देख सकते हो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि अगर आपका स्टेटस है मैरिड तो आपको दो और क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि इज योर पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कैनेडा ऑफकोर्स नो होगा विल योर पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विथ यू टू कैनेडा मतलब कि आप अगर इंडिया से फाइल लगा रहे हैं अगर आप साथ में लगाते फाइल तो आपको लिखना है कि यहाँ पे यस हाउ ओल्ड आर यू ये सारे क्वेश्चंस में फटाफट फिल कर लेता हूं सभी वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार किए है अब यहां पे आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप अपनी फाइल जो है वो साथ में रख रहे हैं तो जैसे आपने क्वेश्चन जैसे फिल किए ऊपर उसी तरह से आपको आपके पार्टनर के लिए क्वेश्चन यहाँ पे फिल करने हैं कि वॉट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच यू योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ कैनेडियन डिग्री उनके पास है कि नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं तो बैचलर्स डिग्री रखते हैं कि बैचलर डिग्री है हाईस्ट स्टेयर ऑफ एजुकेशन में लास्ट टेन ईयर्स में हाउ इयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा तो कैनेडा में तो नहीं है डिड डिस् और कॉमन लॉल पार्टनर्स अ लैंग्वेज टेस्ट ऑफकोर्स यस एंडर द टेस्ट कोर सेम रख देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर टेस्टिंग कैलकुलेट योर स्कोर तो यहाँ पे आ गए 454 तो आपने देखा होगा कि पहले आपका आता था 476 आपके पार्टनर के साथ आपका आ रहा है 454 यानी यानि कि अगर आप साथ में फाइल करते हो तो आपका स्कोर कम होता है समवेयर अराउंड 25 तो बस इस वीडियो में यहीं तक था अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बाक़ी ये जो स्कोर होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड्स होता है लेवल ऑफ़ एजुकेशन, लैंग्वेज रिजल्ट पे ये सारी चीज़ों पे। तो उन सारी चीज़ों की डिटेल में इस वीडियो में मैं बात नहीं करता उसके लिए अलग सा वीडियो लगेगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज़